नमस्कार साथियों आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड जी हाँ साथियों सऊदी अरबिया कोरोना से रिलेटेड भी हम बात करेंगे एंड सऊदी अरबिया ने कुछ क, देशों के लिए कुछ कंट्री के लिए कुछ शहरों के लिए फ़्लाइटों की योजना बनाई है जी हाँ नवंबर में नवंबर में अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं चाहे आप पाकिस्तान से हैं चाहे आप इंडिया से हैं जी हाँ और भी कंट्रीज से हैं बांग्लादेश से कुछ कंट्रियाँ और भी हैं बहुत सारी हैं और डिटेल से हम बात करेंगे भाई कौन कौन सी कंट्री से कहाँ से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइटों का संचालन नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ये सऊदी सरकार ने एक योजना बनाई है तो हम डिटेल से बात कर लेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लें फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों कोरोना अपडेट के बारे में कोरोना का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सऊदी अरबिया में हम बात करें अक्टूबर लास्ट तक की बात करें तो लगभग केस के आंकड़े की बात करें एक्टिव केस तीन लाख पैंतालीस हजार दो सौ बत्तीस अभी तक केस पाए गए हैं जी हां साथियों कोरोना केस अभी तक हुए हैं इसमें से डेथ की बात करें तो पाँच हज़ार तीन सौ तेरह लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है जी हाँ कोरोना की वजह से आगे हम बात करें रिकवरी अच्छी है भाई रिकवरी ठीक है तीन लाख तैंतीस हज़ार छः सौ इक्यानवे लोगों की रिकवरी हो चुकी है एवरेज अगर देखा जाए तो चौदह हज़ार के करीब अभी तक पेंडिंग केस हैं ठीक है डेथ रेशियो भी बहुत कम है दो परसेंट के करीब है और रिकवरी भी अच्छी है चौदह लोगों की बचे हैं बाकी तो सबको रिकवर कर लिया गया है तो ये तो थी कोरोना अपडेट से रिलेटेड हम फ्लाइट से बारे में बात करेंगे भाई इंडिया के लिए भी कुछ शहर निर्धारित किए गए हैं जहां सऊदी अरबिया फ़्लाइट स्टार्ट कर सकती है जी हां तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है भाई आपको पता है कुवैत और सऊदी अरबिया ने अभी तक इंडिया के लिए कोई फ़्लाइटों का संचालन नहीं किया है हवा अफवाहें उड़ती रहती हैं कहीं ना कहीं से न्यूज़ चलती रहती हैं लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ है वहीं का वहीं सिस्टम महारत से पेंडिंग पड़ा है अलग बात है कि सऊदिया से इंडिया फ़्लाइटें आती हैं वो भी बहुत कम आ रही

बाकी गल्फ कंट्रीज में उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट करती हैं कुछ विरोध कंट्री से रिलेटेड भी फ्लाइट स्टार्ट हैं तो कुछ और उन्होंने ऐड किए हैं कुछ कंट्रीज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे तो स्क्रीन पे आप देखते रहिए लगभग 33 जी हां साथियों नवंबर में 33 और ऐसे शहर सिटी और जोड़े गए हैं जिसमें फ्लाइटें स्टार्ट होने वाले तो इंडिया में देख लीजिए कहां-कहां से फ्लाइटें स्टार्ट ऑपरेट होगी अगर नवंबर में बात करें तो सर सऊदी सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है संभावित जो शेड्यूल वो बताया है इस्लामाबाद पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान दिल्ली इंडिया बम्बई अपने इंडिया में अगर बात करें तो दिल्ली बम्बई से फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी जी हाँ साथियों नवंबर में ढाका बांग्लादेश में फ़्लाइटें स्टार्ट हो, हो जाएंगी गुआंग जी हाँ साथियों ये कोई शहर का नाम है कंट्री में जकार्ता जी हाँ साथियों जकार्ता फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएँगी कराची आ, आ, पाकिस्तान कोची इंडिया चेन्नई से कोलालम पर यानी मलेशिया से मनीला जी हाँ साथियों फिलीपींस से फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी मुल्तान और पेशावर यानी पाकिस्तान में ज़्यादा शहरें ऐड किए गई हैं पाँच लगभग छः से छः शहर ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइटें उड़ान भरेगी इंडिया में बात करें तो भाई दिल्ली एक बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे और कोच्ची जी हाँ साथियों तीन बड़े एयरपोर्ट हैं इंडिया के आपको पता है पांच बड़े महानगर उनमें से तीन इन शहरों में फ़्लाइटें स्टार्ट करने जा रही है नवंबर से सऊदी अरबिया से यहाँ से फ़्लाइटें इंडिया के लिए या फिर सऊदी से इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइटें उड़ान भर सकती हैं जी हाँ अफ्रीका में बात करें तो साथियों अदीस कबा अबाबा काहिरा अलेक्जेंड्रिया खारतुम टनिश ट्यूनिश नोरोबी के लिए उड़ान भरेगी ऑपरेशन शेड्यूल में यूरोप अमेरिका के आठ और गंतव्य शामिल हैं, अर्थात पेरिस एम्स ट्रम्प फ्रेंट लंदन मेट्रिट मिलान इस्तांबुल और वाशिंगटन, अमेरिका

रूटीन में सिस्टम नहीं आ पाया तो इसको दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए सऊदी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं हालांकि सऊदी अरब में केस भी बहुत अभी कम आने लगे हैं तीन से चार केस अभी पर डे आ रहे हैं तो उसको देखते हुए सऊदी सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छी उम्मीद है भाई हम भी उम्मीद करेंगे कि इंडिया से भी फ्लाइट स्टार्ट हो जाएँ सऊदी अरबिया से क्योंकि इंडिया सऊदी अरबिया इंडिया के लगभग 20 लाख से प्लस लोग रहते हैं 25 लाख के करीब इंडियन वर्कर हैं जो सऊदी अरबिया रह रहे हैं बहुत सारी जनता छुट्टी आई थी वो नहीं जा पा रही है वापस उम्मीद करेंगे जल्द ही फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी सऊदी के लिए मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी में जय हिंद जय भारत